नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी साधना की है जिस साधना के ज़रिए वो कुछ पाना चाहती थी। वैसे तो हर साधनाओं के पीछे लोगों की कोई ना कोई इच्छा जुड़ी होती है कुछ पाने की, लेकिन कुछ साधनाएं सात्विक होती हैं, कुछ तामसिक होती हैं। सात्विक साधनाओं में कुछ भी पाने के लिए किसी भी इंसान को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचती, लेकिन तामसिक साधनाओं में कई बार कई इंसान को या फिर कुछ जानवरों को कई तरह की हानि पहुंचाई जाती है। ये हानि किस तरह की होती है ये उस साधना के ऊपर निर्भर करता है। ऐसी ही आज की ये कहानी एक तामसिक साधना से जुड़ी हुई है। ये साधना कौन कर रही थी, क्यों कर रही थी और उसके मन में क्या पाने की इच्छा थी, आप आगे की कहानी में जानोगे। आज की कहानी दो बहनों की है। उन दोनों बहनों का नाम था रूप और पूजा। रूप और पूजा एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग थे। रूप बड़ी बहन थी और पूजा छोटी बहन। दोनों एक दूसरे से अलग इस तरह से थे कि पूजा को घूमना फिरना, नए दोस्त बनाना, लोगों के बीच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। पूजा इन सब चीज़ों में काफ़ी पॉपुलर थी और रूप उसके बिल्कुल विपरीत थी। रूप पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा हादसा होने की वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उलट चुकी थी। रूप और पूजा दोनों एक दूसरे से खूबसूरती में कहीं से भी कम नहीं थे, लेकिन रूप की ज़िंदगी में एक बार एक हादसा हुआ जिसके वजह से उसके चेहरे पर एक ऐसा दाग लगा जिसने उसकी खूबसूरती को उसके मानने के हिसाब से कम कर दिया। रूप ये चीज़ भूल चुकी थी कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं होती, खूबसूरती तो मन की भी होती है। लेकिन आज के इस ज़माने में जब लोग आपको आपके चेहरे से ही कम या ज़्यादा समझते हैं, इन चीज़ों का असर शुरू शुरू में तो रूप पर उतना नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे लोगों के बातें, लोगों के ताने उसको मिलने लगे, धीरे धीरे उसके अंदर का ये विश्वास, आत्मविश्वास पूरी तरह से टूटने लगा। रूप जितना उस हादसे से नहीं टूटी थी, उतना वो लोगों के बातों से टूटने लगी। रूप इस वजह से धीरे धीरे पूरी दुनिया से, सारे लोगों से कट कर रहने लगी। रूप जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसे कॉलेज जाना बहुत पसंद था, लेकिन उस एक हादसे के बाद लोगों का उसके प्रति जो व्यवहार बदला वो भी काफ़ी बदल गई। उसने कॉलेज से जाना और जाकर पढ़ाई करना सब बंद कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई तो नहीं रोकी, लेकिन अब वो घर से ही पढ़ाई किया करती थी। उसने डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो एग्ज़ाम देने भी कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, इसलिए वो ये काम करने के लिए कॉलेज जाती थी। जैसे तैसे उसका फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सेकंड ईयर में अचानक उसे एक दिन वो लड़का दिखा जिसे वो स्कूल के वक्त से बहुत पसंद किया करती थी। और उसको ज़्यादा बुरा तो तब लगा जब जिस लड़के को वो दुनिया में सबसे अलग, सबसे अच्छा समझा करती थी, उस लड़के ने भी जब उस पर उसकी नज़र पड़ी, उस तरह से देखा जो कि
रूप बर्दाश्त नहीं कर पाई और थोड़ी ही देर में उसके सामने उसकी बहन से वो इस तरीके से बात कर रहा था जैसा कि रूप अपने लिए चाहती थी। रूप के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। रूप बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। रूप ने उस साल वो एग्ज़ाम देने जाना भी कॉलेज बिल्कुल सही नहीं समझा। वो खुद को पूरी तरह से अब कमरे में बंद कर चुकी थी। वो इतनी परेशान, इतनी दुखी थी कि कई बार उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे जो ख्याल कभी भी किसी के भी दिमाग में नहीं आने चाहिए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से इतनी मायूस हो चुकी थी कि उसने खुद के ज़िंदगी को ही ख़त्म करने का अब फैसला ले लिया था। रूप इन चीज़ों को लेकर के अब इतनी परेशान थी कि उसने किसी दूसरे सॉल्यूशन के बारे में सोचा ही नहीं। उसने बीच में एक बार अपने माता पिता से कहकर अपने चेहरे की सर्जरी के बारे में भी बात की थी, लेकिन डॉक्टर ने इसका खर्चा इतना ज़्यादा बताया था कि उसके माता पिता इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस वजह से रूप को अब ऐसा लग रहा था उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। और तभी अचानक रूप ने पता नहीं क्या सोचकर और क्या ढूंढने के लिए इंटरनेट खोला। इंटरनेट खोलने पर ही उसे कई सारी अलग अलग साधनाओं के बारे में उस पेज पर लिखा हुआ नज़र आने लगा। रूप को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट आया। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ कभी आपको खुद तक लाना चाहती है या आप तक पहुंचना चाहती है तो कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई माध्यम हमेशा अपने आप तक उस चीज़ को लेकर ही आ जाता है। शायद रूप के भी साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था। अचानक उसे उस पेज पर अलग अलग साधनाओं के बारे में पढ़कर एक अलग ही आनंद आने लगा। वो अब इन्हीं चीज़ों के बारे में ढूंढने लगी। वो जैसे जैसे अलग अलग साधनाओं के बारे में देखती, ढूंढती, पता करती, उसके मन में एक अलग सा उत्साह भरता जा रहा था। उसकी जो उम्मीद अभी थोड़ी देर पहले टूट चुकी थी, वो उम्मीद अब उसे बंधती हुई नज़र आ रही थी। हर अलग अलग साधना से अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति के बारे में बताया गया था, लेकिन इंटरनेट पे ये जानकारी पूरी नहीं थी, जिसके वजह से रूप को एक साधना करने के बारे में पता तो चला, लेकिन उसकी जानकारी पूरी ना होने के वजह से अब रूप को उस साधना को करने की पूरी जानकारी चाहिए थी। रूप को नहीं पता था वो इस साधना के बारे में कैसे पता करेगी, कहाँ जाएगी, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है, कहते हैं। तो ये बात रूप ने सच कर दी। रूप ने धीरे धीरे अब रात में निकलकर अलग अलग जगह पर जाकर साधु, महात्मा, तांत्रिक, हर किसी को ढूंढना, सबसे मिलना शुरू किया। लेकिन जब जब वो अलग अलग लोगों के पास जाती और इन चीज़ों के बारे में पूछती, कुछ लोग तो इन चीज़ों के बारे में उसे कुछ बता ही नहीं रहे थे, लेकिन आखिरकार रूप को अपने 3 महीने की तलाश के बाद एक तांत्रिक बाबा मिले, जिन्होंने कहा, हाँ मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तेरे इस मदद के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। और रूप ने बिना सोचे समझे ही हामी भर दी। उसने कहा, बाबा आपको जो भी चाहिए मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं पैसे से आपकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। बस आप मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए। आप उसके बाद जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। और इस पर तांत्रिक बाबा ने ठहाके लगाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है
तो मैं तेरी मदद करूँगा, लेकिन इतना समझ ले, ये साधना आसान साधना नहीं है। तू अगर एक बार इस साधना को इस तरीके से शुरू कर देती है तो तू चाह कर भी इसे बीच में नहीं रोक सकती। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो उसमें तेरी जिंदगी भी जा सकती है, और हो सकता है कि तेरे साथ साथ तेरा पूरा का पूरा परिवार भी इन चीज़ों के बलि चढ़ जाए। ये सुनते ही रूप के मन में थोड़ा डर आया, लेकिन फिर उसने अपनी मन की चीज़ पाने के हिसाब से इस चीज़ के लिए भी हाँ कर दी, और उसने कहा, मुझे तो बाबा जो पाना है वो हर हाल में पाना है, तो मैं इस साधना को बीच में क्यों रोकूंगी। और बाबा से उसने अपने मन की वो साधना बताई और उसके बारे में उसे कैसे करना है, किस तरीके से, कितने दिन, क्या क्या सामग्री, पूजा विधि, सब कुछ जानने के बाद आखिरकार उसने वो साधना शुरू करने की ठान ली। ऐसी साधनाओं के लिए आपको एकांत जगह चाहिए होती है और आपको रात में ही ये साधनाएं करनी होती हैं। एकांत जगह की रूप को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके घर के साइड में ही उसका एक बंद गैराज था जो कि काफ़ी दिनों से बंद था। उसमें दिन में ही मुश्किल से परिवार का कोई सदस्य आया जाया करता था, तो रात में तो किसी के आने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। रूप जो साधना करने जा रही थी वो थी यक्ष की साधना। यक्ष की साधना सुंदरता पाने के लिए, और ये साधना वो तामसिक विधि से कर रही थी, इस वजह से इसमें खतरा बहुत था। ये साधना उसे 51 डेज मतलब 51 दिनों तक करनी थी, और 51 दिनों के बाद उसे जो चाहिए था उसे वो प्राप्त हो जाता। अब रूप जल्दी से जल्दी इस साधना को शुरू करना चाहती थी। इस साधना को करने के लिए रूप को कुछ चीज़ों की आहुति चढ़ानी थी। रूप को ये तो बताया गया था कि उन चीज़ों की आहुति उसे चढ़ानी है, लेकिन वो जिस इंसान के उन चीज़ों की आहुति चढ़ाने वाली थी उसके साथ क्या होने वाला था ये बात रूप को पता नहीं थी। रूप को बताया गया था कि वो किसी एक लड़की को चुने और उस लड़की के बाल, उस लड़की का रक्त और उस लड़की के कपड़े, वो चीज़ें वो इस हवन में, इस पूजा में अपने साथ रखकर ये सारी क्रिया पूर्ण करेगी। उसके जानने में उसके सबसे नज़दीक सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन ही थी, क्योंकि रूप को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि वो जिन चीज़ों का जिस तरीके से इस्तेमाल करने वाली है उसका असर उसकी बहन पर क्या पड़ने वाला है। इसलिए रूप ने अपने नज़दीक से अपनी बहन की ही उन सारी चीज़ों को लेकर उस पूजा को आरंभ कर दिया। शुरू में सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी, सिर्फ सबसे पहले उसके बाल चाहिए थे। हर 11-11 दिन पर उसे वो चीज़ें एक एक करके उस पूजा में इस्तेमाल करनी थी, और रूप ने ऐसा ही किया। रूप ने वो साधना आरंभ कर दी। वो साधना आरंभ करने के कुछ ही दिनों बाद, मतलब 15 दिनों बाद, रूप को अपनी बहन में एक अलग तरह का बदलाव नज़र आने लगा। उसकी बहन बहुत अलग तरीके से बात करना, बिहेव करना, बात बात पर जो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी वो अब चिड़चिड़ी हो गई थी। वो लोगों से ना तो ज़्यादा बात करना पसंद करती थी और ना ही लोगों में ज़्यादा रहना पसंद करती थी।
लेकिन रूप ने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान अभी भी नहीं दिया। घर पर उसके माता पिता इन चीज़ों से काफ़ी परेशान थे। उन्होंने अपने तरीके से अपनी बेटी पूजा को हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी भी बीमारी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। इधर पूजा में कुछ बदलाव हो रहे थे, उधर रूप में भी कुछ बदलाव हो रहे थे। रूप, जिसका आत्मविश्वास अब पूरी तरह से टूट चुका था, वो अब खुद को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती थी। वो जिस तरीके से पहले परेशान रहा करती थी, अब जैसे उसकी सारी परेशानी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसे नहीं पता था ये कैसे हो रहा है, लेकिन वो लड़की जो हमेशा पहले उदास रहकर कुछ न कुछ सोचते रहती थी, अब वो लड़की हर वक्त चहकती रहती। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी नजर आ रही थी। 22 दिन बीत चुके थे। अब समय था दूसरी चीज की आहुति देने का, और उसने वैसा ही किया। दूसरे वस्तु की आहुति देकर रूप ने अपनी साधना को आगे बढ़ाया, और इस दूसरी वस्तु के आहुति के देते ही अब रूप भी काफ़ी अलग हो गई। और पूजा का तो पूछिए ही मत, उसकी जो हालत थी वो अब दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। उसके चेहरे की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे या तो खा रहा है या फिर उसका सारा खून चूस रहा है। पूजा अब धीरे धीरे अपने शरीर में काफ़ी कमजोरी फील करती थी। वो अब इस तरह से हो चुकी थी जैसे वो बुढ़ापे के कगार पर हो। उसके शरीर की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी रूप का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना पर था। उसे जब वक्त मिलता तो वो अपनी बहन के साथ वक्त बिताया करती थी, लेकिन रूप के दिमाग में तो हर वक्त काफ़ी कुछ अलग चल रहा होता था। इस वजह से उसने अपनी इन चीज़ों को कभी पूजा की बिगड़ती हालत से जोड़कर देखने की कोशिश ही नहीं की। इस वजह से रूप कुछ भी समझ पाने में पूरी तरह से असमर्थ थी। अब देखते ही देखते 33वां दिन आ चुका था। बारी थी आखिरी सामग्री के आखिरी आहुति की, और रूप ने वो आखिरी सामग्री की आखिरी आहुति भी डाल दी। और अब रूप धीरे धीरे अपने सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा बदलाव फील कर रही थी। उसे अभी तक साधना से अपने अंदर बदलाव के अलावा बाकी कुछ अलग महसूस नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा, और बार बार उसके कानों में एक अजीब सी भयानक सी आवाज़ हंसी सुनाई देती थी। और वो आवाज़ उससे हमेशा यही कहती थी, मुझे जल्दी बुलाओ, मुझे जल्दी बुलाओ। ये आवाज़ सुनकर शुरू शुरू में तो रूप को काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन जैसा कि उसे बताया गया था कि तुम्हें इस साधना में डरना बिल्कुल नहीं है, और चाहे जो भी हो जाए तुम्हें ये साधना ना तो बीच में रोकनी है और ना ही छोड़नी है। रूप डर बहुत रही थी, लेकिन वो चाह कर भी अब अपनी इस साधना को छोड़ नहीं सकती थी। अब धीरे धीरे पूजा और ज़्यादा बुरी हालत में आ चुकी थी। रूप अक्सर अब उसे दिन में भी यही आवाज़ें सुनाई देती थी। रूप को इन चीज़ों से अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, इतना कि जिस उत्साह से वो पहले रात को हमेशा सबके सोने का इंतज़ार करती और भागकर उस साधना वाले जगह पर पहुंचकर अपनी साधना को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहती थी, वो
अब ये करने में डरने लगी थी, हिचकने लगी थी। लेकिन रूप को इस बात का डर था कि अगर वो इस साधना को बीच में ही छोड़ देती है तो कहीं उसके साथ या फिर उसके वजह से उसके परिवार वालों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इसलिए अभी 51 डेज पूरे नहीं हुए थे, आज तो लगभग 40वां दिन ही था, लेकिन रूप बार बार अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर किसी का छुअन साफ साफ महसूस कर रही थी। ये बात उसके मन को डरा देने के लिए काफ़ी थी। आज ना चाहते हुए भी रूप ने साधना के बीच में अपनी आंखें खोल दी और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी। वो इधर उधर देख तो रही थी लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि उसने आज ये साधना बिना आंखें बंद किए ही जैसे तैसे खत्म की और उसने ये तय किया कि वो अगले दिन उन तांत्रिक बाबा के पास जाकर उनसे मदद मांगेगी। और उसने वैसा ही किया। वो अगले दिन ही उन तांत्रिक बाबा को ढूंढते हुए फिर से एक बार उनके पास पहुंच गई और रूप ने सारी चीज़ें उनको बता दी। तांत्रिक बाबा ये चीज़ें सुनते ही हंसने लगे और उन्होंने कहा, तुझे क्या लगता है ये सारी साधनाएं इतनी आसान होती हैं कि कोई भी अपने मन की चीज़ इतनी आसानी से पाले? ऐसा नहीं होता है। और मैंने तुझे इस साधना को शुरू करने से पहले ही बताया था कि अगर तूने एक बार ये साधना इस विधि से आरंभ कर दी, उसके बाद तू चाह कर भी इसे रोक नहीं सकती। और अगर तूने इसे रोकने की कोशिश की तो तू और साथ साथ तेरा पूरा परिवार भी शायद बर्बाद हो जाएगा। अब रूप काफ़ी डर चुकी थी, लेकिन वो डरी हुई तो उन चीज़ों से भी थी। इसलिए वो बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगी और उनसे मदद मांगने लगी। बाबा ने सीधा साफ साफ मना कर दिया और कहा, मैं तेरी इस चीज़ में अब कोई मदद नहीं कर सकता। या तो इस साधना को पूर्ण कर या फिर इस साधना को बीच में छोड़कर इसके अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो जा। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। रूप अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी इस साधना को आगे बढ़ाना था। रूप ने उस साधना को वैसे ही जारी रखने की कोशिश की, लेकिन अब रूप को इन चीज़ों में आंखें बंद रखे या फिर खुली रखे, उसे अजीब सी परछाई हमेशा अपने आसपास नज़र आती और वो परछाई उसे अजीब तरीके से छुआ करती थी। वो सारी चीज़ें महसूस करके रूप डर से अब हमेशा उस साधना को ना करने की ही सोचा करती थी। लेकिन अपने परिवार को बचाने के वजह से वो इस साधना को कर रही थी। अब धीरे धीरे 2-3 दिन और बीत चुके थे। इधर पूजा पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ चुकी थी। पूजा की हालत को देखते हुए और उसमें किसी भी तरह का कोई भी सुधार ना होते हुए आखिरकार पूजा के पिता के मना करने के बाद भी उसकी माँ ने अपने घर में अपने जानने वाले एक पंडित जी को बुलाया। और पंडित जी ने जैसे ही पूजा की हालत देखी, उन्होंने कहा, इस पर तो कोई क्रिया की गई है और धीरे धीरे इस बच्ची के यौवन के साथ साथ इसका जीवन भी छीना जा रहा है। ये ऐसे ही अब बीमार रहेगी अगर ये क्रियाविधि बंद नहीं हुई तो। रूप उस वक्त वहाँ पर उनके सामने नहीं थी, इसलिए अभी भी उसे किसी भी बात का पता नहीं चला। बाबा जी ने अपने शक्ति से ये जानने की कोशिश की कि ये क्रिया कौन कर रहा है। तब बाबा जी को ये बात पता चलते देर नहीं लगी कि ये क्रिया कौन और क्यों कर रहा है। उन्होंने तुरंत बिना कुछ किसी को बताए
रूप को वहां पर बुलाने के लिए कहा। घर वालों ने भी तुरंत रूप को बाबा जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बाबा जी ने सबको वहां से जाने के लिए कहा और अकेले में वो रूप से बातें करने लगे। उन्होंने रूप से सारी बातें जानने की कोशिश की। पहले तो रूप ने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब बाबा जी ने ये बताया कि तुम्हें पता है तुम्हारे इसी क्रिया के वजह से तुम्हारी बहन की हालत ऐसी हुई है और अगर ये क्रिया बीच में नहीं रोकी गई तो तुम्हारे बहन की मृत्यु भी हो सकती है, तुमने ये क्रिया कहाँ से और क्यों शुरू की? रूप ने सारी बातें उनको शुरू से लेके अभी तक बता दी और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं उनसे मदद मांगने के लिए भी गई थी बाबा जी, लेकिन मुझे उन्होंने भगा दिया। उन्होंने कहा वो अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर बाबा जी ने रूप के सर पर थोड़ा प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटी तूने गलती तो अब कर दी है, लेकिन इस गलती को मैं भी सुधार सकता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इस क्रिया को किसी भी तरह से पलटना नामुमकिन है। इस क्रिया के असर को कम जरूर करने की कोशिश कर सकता हूँ ताकि सच में तेरे परिवार के ऊपर इसका उल्टा असर ना हो। ये बात सुनते ही रूप तुरंत हाथ जोड़े हुए बाबा के चरणों में गिर गई। उनके पैरों को पकड़कर और पिलक पिलक कर रोने लगी, बाबा जी प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मेरी मदद कीजिए, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़। बाबा जी ने उसे बहुत प्यार से संभालते हुए उठाया और कहा, तू अब चिंता मत कर, अब आगे मैं देखता हूँ, तू मुझे बस अपनी उस क्रिया के स्थान पर ले चल। बाबा जी ने वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखकर महसूस करने की कोशिश की। बाबा जी ने जब सारी चीज़ों को महसूस की तो उन्होंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है बेटी, मैं इस क्रिया को रोक तो सकता हूँ, लेकिन इसका भुगतान भी तेरे परिवार को करना ही पड़ेगा। और उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि इस विधि को रोकने में ताकि तेरे माता पिता की जान बच सके, या तो तेरी जान चली जाएगी या फिर पूजा की, या हो सकता है तुम दोनों की जान चली जाए। रूप ने तुरंत वैसे ही उनसे रोते गिड़गिड़ाते कहा, बाबा ये सब मेरी गलती है, आपको चाहिए तो आप मेरी जान ले लीजिए, मगर बाकी के मेरे परिवार वालों को बचा लीजिए। बाबा जी ने कहा, ठीक है, मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करती जा, लेकिन ये विधि भी तुझे लगातार 11 दिन तक करनी है और इन 11 दिनों में तुझे काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी तक तूने जो महसूस किया था तुझे उससे ज़्यादा चीज़ें महसूस करनी पड़े और तू उससे और ज़्यादा डर जाए, लेकिन हर हाल में तुझे अपनी उस विधि को आगे करते रहना है, रुकना नहीं है। रूप तैयार हो चुकी थी और बाबा जी भी वहीं उसके बगल में बैठकर उससे वो क्रिया करवाए जा रहे थे। लगातार 8 दिन बीत चुके थे। रूप को सच में इस वक्त बहुत सारी भयानक भयानक चीज़ों का एहसास हो रहा था। रूप बार बार डरती घबराती, लेकिन बाबा जी को देखकर उसकी हिम्मत बंध जाती थी। वो जैसे तैसे इस क्रिया को करती जा रही थी और आज आखिरी दिन था, मतलब 11वां दिन। आज आखिरी दिन पर बाबा भी उसके साथ उसी हवन कुंड के सामने बैठकर आहुतियां देते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में रूप की हालत खराब होने लगी। उधर पूजा अपने बिस्तर पर लेटी छटपटा रही थी। बाबा बार बार उन आहुतियों को देते जाते और बीच बीच में
रूप के सर पर हाथ रखकर शायद उसे किसी तरह की एनर्जी प्रदान कर रहे थे या फिर उसके हिम्मत को बढ़ा रहे थे। आज आखिरी दिन पर उन दोनों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, रूप और पूजा दोनों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। आखिरी आखिरी वक्त पर तो ऐसा लग रहा था जैसे रूप खुद उस हवन कुंड में गिर जाएगी, लेकिन बाबा जी के उसके सर पर हाथ रखते ही लगता था जैसे उसके अंदर कोई एनर्जी सी आ रही है। और आखिरकार हवन संपूर्ण हुआ, और हवन के संपूर्ण होते ही रूप वहीं हवन कुंड के सामने गिर गई थी। रूप को देखकर बाबा जी सब समझ चुके थे, लेकिन बाबा जी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने रूप को वहीं पर छोड़ा और घर में अंदर पूजा की हालत को देखने के लिए जा चुके थे। पूजा भी वैसे ही उसी अवस्था में पड़ी हुई थी। लग रहा था जैसे उसका शरीर भी पूरी तरह से निर्जीव हो चुका है। उसके माता पिता पूजा के सामने बैठकर बिलक बिलक कर रो रहे थे। तभी बाबा जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पूजा के सर पर हाथ रखकर कुछ बुदबुदाया। तभी पूजा थोड़ी ही देर में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। ये देखकर माता पिता काफ़ी खुश हुए। फिर उन्होंने रूप के बारे में पूछा। बाबा जी ने रूप के बारे में माता पिता को बता दिया। माता पिता को इस बात से बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन बाबा जी ने सारी बातें उन्हें खुलकर बताई कि रूप की भी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसे नहीं पता था वो क्या कर रही है, और इसी चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए उसने खुद की जान देने से भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए, और उसने अपनी जान देकर अपनी बहन को बचाया है। अब माता पिता कुछ नहीं कर सकते थे। सारी क्रिया संपूर्ण हो चुकी थी और गुरुजी वहां से जा चुके थे। इन सारी चीज़ों के बाद पूजा को अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट कर आने के लिए काफ़ी वक्त लगा, लेकिन उसके बाद भी उसे अपनी बहन की कमी हमेशा महसूस होती थी, क्योंकि वो दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार बहुत करती थीं। पूजा धीरे धीरे नॉर्मल तो हो गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन जो उसकी बहन के जाने से आया था, उसे पूरी ज़िंदगी कभी कोई और नहीं भर पाया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।